होता है, लेड का वायर थोड़ा देर के लिए होता है, वो टेम्परेचर अलग टाइप से दिया हुआ वहां पे रहता है, समझा। ओके सो पुट द हैडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड, वी विल स्टडी द पोटेंशियल डिफरेंस और व्हाट इज सेल, हां वी विल स्टडी द सेल आफ्टर दैट। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। Okay, there are three combination of resistance. One is that series combination, other is parallel combination, and third one is that mixed combination. No, we have three combination of resistance. One is series, other is parallel, and next is mixed combination. And one by one we study. Okay, so first we are doing series combination. पहला हम लेते हैं series combination क्या है देखो। Okay, the combination in which resistors are connected end to end. देखो ये सीरीज को समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए। एक रेजिस्टेंस जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ये यहाँ खत्म हो गया, मान लेते हैं ए बी एक है रेजिस्टेंस, और बी से दूसरा चालू होगा, यहां से इसके बीच तीसरा नहीं आना चाहिए ना, बी से सी हो गया और सी से फिर स्टार्ट होगा ये डी तक गया, तो ये एक हो गया, ये दो और ये तीन है ना। तो एक जहां खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इन टू इंड कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ क्या होगा कि into end combination is called series combination. So देखो हम इसके लिए एक इक्वेशन निकालते हैं, व्हाट आर द इक्वेशन दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके this person, okay, so series combination, what is that? Try to understand, this is the series combination. तो बात समझे तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये वोल्टेज होगा ना इसको अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, सबको जोड़ देना है। V equal हो गया V1 plus V2 plus V3 plus, अगर और भी होता V4 V5 V6 कितना भी है वो लगा दो, ठीक है। और V equal होता IR, तो सारे का रेजिस्टेंस हम मान ली R है, ठीक है। ओके सो V equal हो गया यहाँ पे IR, और V1 equal होता IR1, V2 हो गया IR2 और V3 हो गया IR3। सब में से आई कॉमन ले लिए, आई आई कैंसिल हो गया, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ध्यान है। अब पैरेलल में क्या देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है, किसको समझो ध्यान से, अगर
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, लेट्स से दिस इज आर वन आर थ्री, तो पैरेलल में तुम्हें एक बार पता होना चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग जो है सेम होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा रेजिस्टेंस का, तो समझ में आ जाएगा क्या होगा, ये पैरेलल है। अच्छा, सीरीज में करंट सेम होता, ध्यान रखना, ये नोट करके लिख लो, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम, और इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो ये पैरेलल कनेक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये दो चीज को तुम याद रखना 100%, ठीक है। और एक नेक्स्ट है तुम्हारा, अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या इक्वेशन आता है वो देखो, बता दो पैरेलल क्या होता है। अगर मान लो ए से और बी से दो वायर जा रहा है, तो ए से निकला और बी पे आके जुट गया, ठीक है। दूसरा, ये ए से निकला और ये भी बी पे जाके जुट गया, ठीक है। तीसरा, ए से निकला और ये भी बी पे जाके जुट गया। तो जहां से ए से निकल रहा है और बी पे जुट रहा है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का सेम पॉइंट है, देख रहा है। स्टार्टिंग तीनों का सेम है, एंडिंग तीनों का वो सेम है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग सेम दिख जाए, समझ आना वो पैरेलल है, ठीक है। तो इफ रजिस्टर एंडिंग पॉइंट, if resistors have same starting and ending point, then that is called parallel combination. तो क्या क्या लगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। देखो, तो इसका इक्वेशन कैसे आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, मान लेते हैं यहां से ए है, ये रजिस्टर है, तो दे आर कनेक्टेड विद वोल्टेज वी, लेट्स से दिस इज आर ओन रेजिस्टेंस, दिस इज आर टू रेजिस्टेंस एंड दिस इज आर थ्री रेजिस्टेंस। देखो, यहां से जैसे करंट आएगा चल के आई, ये तीन पार्ट में बटेगा, एक इधर जाएगा करंट आई वन मान लेते हैं, इधर एक इधर करंट जाएगा जिसको हम आई टू मान लेते हैं, और ये हो गया आई थ्री, ठीक है। तो यहां से करंट गया, ये तीन डायरेक्शन में बट गया, फिर इधर से तीनों डायरेक्शन में मिलकर फिर यहाँ से आई रिटर्न होकर आ जाएगा, क्योंकि जैसे जितना गया था ना करंट, उतना ही बाहर निकलेगा। रेजिस्टेंस का काम करंट को खाना नहीं होता, ठीक है, ये अपोज करता है, स्लो कर देता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, बट ये करंट को ऐसा नहीं, इधर गया
1 kg करंट गया, खा गया, आधा केजी निकला है ना, बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि 10 एम्पियर 10 गया, हाफ ही 2 एम्पियर निकाल दिया, स्लो कर देता है स्पीड को। हाँ ओके, सो अब देखो क्या होगा मेरे पास, दिस इज आई इक्वल टू हो गया I1 + I2 + I3। अब मान लो 3 लिए, 4-5 मिले ले, तो I4 + I5 + I6 इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपन R होता है ना, तो मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस सबको मिला के R बन गया, दिस इज V/R, I1 होता है V/R1, I2 हो गया V/R2 और I3 हो गया V/R3। बोलो, अब सब में से V कॉमन ले लो, तो V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर हम V सब में से कॉमन ले तो दिस इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखो ये V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। फिर थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखो क्वेश्चन में दे रखा मेरे पास, ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये 5 ओम है, ठीक है, और 6 ओम है, 3 ओम है, और ये 2 ओम है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है। तुम्हें बताना है करंट कितना जगह सर्किट में, व्हाट इज आई, ठीक है। ये 12 वोल्ट है, 2 एम्पियर। देखो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा करंट, ठीक है, इन द सर्किट, इन सर्किट सर्किट, ठीक है। तो दिस इज द करंट इन सर्किट एंड दिस वी फाइंड द रेजिस्टेंस एंड थर्ड वन इज दैट, ठीक है। तुम्हें ये भी पूछा जा सकता है I1, I2 and I3 क्या है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3। देखो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो तीनों क्या दिख रहा है, सीरीज या पैरेलल, क्या दिख रहा है, पैरेलल, क्योंकि देखो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का सेम है, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल निकालते हैं 1/R इक्वल टू हो गया 1/6 + 1/3, सबके हल से हमारे 6 1 + 2 + 3 6/6, तो 1/R इक्वल टू क्या हो गया 1, तो R इक्वल टू कितना हो गया 1, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा ये 1 ओम हो गया मेरे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया मेरे पास। दूसरी बात, करंट इन सर्किट, सर्किट करंट इन सर्किट के लिए निकालना होगा, तो I इक्वल टू होता है V/R, व्हाट इज V, V है 12 वोल्ट, R है 1, 12 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड नंबर में हमें निकालना है I1, देखो I1 का फॉर्मूला होता है V/R, है ना, तो V कितना है मेरे पास, हम बोले पैरेलल में सिस्टम में V बराबर होता है, तो V हो गया तुम्हारा 12 और R कितना 6, 2 एम्पियर, ठीक है। I2 कितना 12/3 4 एम्पियर एंड I3 बताओ, I3 हम यहाँ निकाल देते हैं, दिस इज 12/2 6 एम्पियर। अच्छा तुम देखो तीनों को जोड़ के तुम्हें 12 आया, 6 + 4 + 10 + 2 12, क्योंकि टोटल लाइफ 12 है, इधर जो गया करंट, इधर जो गया, इधर तीनों मिला के 12 ही तो है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी और क्वेश्चन है, एक दो लेके देखते हैं, ठीक है।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन रेजिस्टेंस 4, 2, 3, 4 है ना, रेजिस्टेंस आर वन आर टू इक्वल टू 3 ओम एंड आर थ्री इक्वल टू 4 ओम, ठीक है, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों क्या किया यहां पे, पहला लगा गया सीरीज में, दूसरा लगा गया पैरेलल, तुम बताना है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सीरीज रेशियो पैरेलल, ठीक है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज रेशियो रेजिस्टेंस पैरेलल क्या होगा, थर्ड पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल क्या होगा, तीसरा दोनों का रेशियो क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। कितना है तुम्हारा, तुम्हारा कितना है, ए पूछा कितना है तुम्हारा, तुम्हारा अबे देखो कितना क्वेश्चन, देखो तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, वो सीरीज बैक ऐड करते हैं, 2 + 3 + 4 कितना आ गया 9 हो, वो पैरेलल 1/r इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/4 एलसीएम आ गया 12 13/2 है, तो r जो आएगा तुम्हारे को 1/r आ गया तुम्हारा 13/12, तो r कितना आ गया, यस 12/13, ये उलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पैरेलल में, अब दोनों का रेशियो निकालो, ठीक है, तो ये r सीरीज अपन r पैरेलल, सीरीज में आ गया तुम्हारा कितना 9 और पैरेलल में आ गया 12/13, 13 ऊपर चला जाएगा, 3 से कटेगा 39/4, ओके तो ये आ गया तुम्हारा थर्ड का आंसर, ठीक है, और ये जो आंसर है ओम है, ठीक है। अब देखो मिक्स क्या होता है, मिक्स में सीरीज पहला दोनों एक साथ रहता है, ठीक है, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तुम्हारा इट इंक्लूड बोथ सीरीज एज वेल एज पैरेलल, इसमें क्या होता है बता दे, मान लेते हैं हम मान लो ये दो सीरीज में और एक ये हो गया, तो ये मान लो 5 है, ये मान लो 7 है, ये 6 है, अब बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, आर इक्विवेलेंट, तो पहले देखो ये दो हमको क्या, ये दो सीरीज में है ना, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, सिक्स, अब देखो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये 7 + 5, अच्छा सीरीज में था तो डायरेक्ट ऐड कर दिए, ये हो गया, अब ये 6, अब दोनों क्या हो गया पहला, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों का पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 + 1/6 है ना, तो एलसीएम क्या होगा 12 1 + 2, सो 1/r इक्विवेलेंट आता है 1/4, क्योंकि 3/4 होता है, सो r हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट 4 ओम, तो इन सबको मिला कितना आएगा 4 ओम आएगा r इक्विवेलेंट, तो ये मिक्स में तुम्हारा सीरीज जो पैरेलल दोनों आ जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, क्या वोल्टेज कैसे निकालना था, करंट कैसे निकालना, तो वो दिया रहेगा तुम्हारा, देखो मान लो ये दे रखा है वोल्टेज 12 वोल्ट दे दिया, करंट निकालना है या करंट दिया रहेगा ना, तो IR लगा दो तुम्हारा है, इसके बारे में बहुत सारे नोमेनक्लेचर करने हैं, ये तो शुरुआत है,
मैं तो फिर उन लोगों को पढ़ा दे थोड़ा सा, सभी तुम लोग पढ़ लेगा। कौन क्वेश्चन बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास मान लो रेजिस्टेंस सही है, आर क्या है, इसका यहाँ से कितना है, आर रेजिस्टेंस है, इसको कट कर दिया गया कितना इक्वल पार्ट है, फाइव इक्वल पार्ट में। तो अब ये पांच इक्वल पार्ट में काटा गया तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बाय फाइव होगा, क्योंकि लेंथ घट रहा है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो ये पांच पार्ट हो गया, एक दो तीन पांच हो गया। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाय फाइव हुआ तुम्हारा, ये भी आर बाय फाइव, ये भी आर बाय फाइव, ये भी आर बाय फाइव, सारे आर बाय फाइव हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहा है। ऐसा ऐसा पांच रेजिस्टेंस है, पांचों को लगा के पैरेलल लगा देंगे, बात समझ रहा है। तो इसको पैरेलल लगाओ तो वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको काट के पैरेलल जब लगा गया तो पैरेलल में यहां से लगा, ऐसे लगा गया, सारे का आर बाय फाइव है ना, ये भी आर बाय फाइव है, ऐसा है। तो देखो ये आएगा, वो आर इक्विवेलेंट लगाना है तो वन बाई उलट जाएगा ना, ये बाय वन बाय आर डैश प्लस वन बाय आर डैश प्लस वन बाय आर डैश, इस तरीके से होगा, कितना पांच टू है ना, अरे बोलो ना, दे एक दो तीन चार पांच हो गया। अब आर डैश का वैल्यू कितना है, आर बाय फाइव है, वन बाई आर बाय फाइव होगा, फाइव ऊपर चला जाएगा, अब ऐसा देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, हम बताएंगे, इतना नहीं करना होता हर बार, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो वन बाई आर इक्विवेलेंट होता है, सबको ऐड करो तो आ रहेगा, पांच को पांच बार ऐड करेंगे पच्चीस होगा, होगा ना, तो वन बाई आर होगा ट्वेंटी फाइव बाई आर, है ना, तो आर कितना है बताओ, आर बाई ट्वेंटी फाइव, ठीक है, कितना आ गया, ये आंसर आएगा तुम्हारा। क्या कह गया, रेशियो सीरीज जो पैरेलल पूछा गया, आर बाय आर डैश का रेशियो क्या हो, तो आर बाय आर डैश का रेशियो निकालना है, ये आर हो गया और आर डैश, ठीक है, रख दो आर बाय आर डैश, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा डायरेक्ट, कितना आर का वैल्यू देखा मेरे पास आ रही है, आर डैश कितना है, ये है आर डैश तुम्हारा, है ना, ये आर डैश आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है तुम्हारा, मान लेते हम सबको ऐड करने के बाद ये आ गया आर इक्विवेलेंट, आर ट्वेंटी फाइव, ठीक है, तो करो नहीं आर, यही तो आर डैश है तुम्हारा। अभी जो निकला है ना वो क्या क्वेश्चन में बोलता है कि जो निकल के रजिस्टर्स वो तुम्हारा क्या है, आर डैश है, ठीक है, तो आर बाय ट्वेंटी फाइव कर दे, ट्वेंटी फाइव ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये कर देगा, तो आर बाय आर डैश आ जाएगा तुम्हारा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बाद में पूछ लेगा तुमको क्वेश्चन।